Hello students, myself Dr. Ashutosh Dwivedi. I'm going to start with 14th lecture on physics for class 12th from NCERT part 1. And before starting with this lecture, we should go for a fast recap of topics we have discussed earlier, like what is an electric charge, how we can make a body charged by rubbing and by induction, we can do it, and then some basic properties of charges, like charges are added like scalars, charges remain conserved for an isolated system, and charge is quantized, that is, it is made up of discrete elementary charges, that is electronic charge. Then charging by induction, working of gold leaf electroscope, unification of electricity and magnetism, and Coulomb's law, which deals with the force of interaction between two charged particles. Then we went through the application of Coulomb's law using the concept of vectors. We applied Coulomb's law for multiple charges also, for system of n charges, how we calculate net force on any single charge due to remaining n minus 1 charges. And thereafter we introduced the concept of electric field. Electric field ki baat kare to qualitatively humne kaha ki kisi bhi charge ke charo taraf uska ek prabhav chhetra hota hai, जिसमें कि कोई भी दूसरा चार्ज यदि रखा जाए तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है. और क्वांटिटेटिवली हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे डिफाइन किया कि किसी भी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट दैट पॉइंट. फिर हम लोगों ने देखा इस पूरे डिस्कशन में कि सोर्स चार्ज उस चार्ज को कहते हैं जिसकी वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, और टेस्ट चार्ज हम उस चार्ज को कहते हैं जिस चार्ज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड टेस्ट करने के लिए कहीं रखते हैं और रख के देखते हैं उस पर कितना फोर्स लग रहा है. फिर जो फोर्स टेस्ट चार्ज पर लग रहा होता है उस फोर्स से टेस्ट चार्ज को डिवाइड कर देते हैं तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट पर मिल जाता है. अब इस डिस्कशन में हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस. इनफैक्ट इट इज सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस. फर्स्ट वी विल लुक एट, यह टॉपिक बिल्कुल वैसे ही जैसे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आपने देखा था कि कैसे कूलॉम लॉ को फॉर सिस्टम ऑफ चार्जेस हम अप्लाई करते हैं एन चार्जेस के लिए हम लोगों ने देखा था, तो बस वैसे ही ये भी है. एन चार्जेस के सिस्टम को हम देख रहे हैं आगे. Consider a system of charges q1, q2, dot dot qn with position vectors r1, r2, rn relative to some origin O. अब देखिए कोई एक origin पहले तो choose करना होगा, frame of reference. माना वो Cartesian system आप choose कर सकते हैं, x axis, y axis, z axis, तीनों dimensions यदि आपको लेने हैं तो तीनों axis लेंगे. दो dimension में discuss करना है तो x y axis पर्याप्त है. ओरिजिन आप जानते हैं जहाँ दोनों एक्सिस इंटरसेक्ट करते हैं, तो ओरिजिन को हम पॉइंट ऑफ रेफरेंस मानते हैं. और मानते हैं कि पॉइंट ओ से डिफरेंट जो एन चार्जेस हैं उनका पोजीशन वेक्टर मानना होगा हमें, आर वन, आर टू, आर थ्री. इन वेक्टर्स की मदद से हम लोकेट करते हैं कि यह चार्जेस कहाँ पर रखे हुए हैं हमारे चूज एंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में. सो यही बात यहाँ लिखी गई है. Like the electric field at a point in space due to a single charge, electric field at a point in space due to the system of charges is defined to be the force experienced by a unit test charge placed at that point. अब देखिए यहाँ unit positive test charge लिखना चाहिए, आप चाहें तो यहाँ add कर सकते हैं, by a unit positive test charge at that point without disturbing the original positions of charges q1, q2, dot dot qn. देखिए कहा जा रहा है कि
जैसे हम किसी सिंगल चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन कर रहे थे, पिछले डिस्कशन में हमने डिफाइन किया, वैसे ही सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन किया जा सकता है। डेफिनेशन सेम होगी। जब हम एक पॉइंट चार्ज की वजह से फील्ड निकाल रहे थे किसी चूजन पॉइंट पे, तो हम उस चूजन पॉइंट पे बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाल रहे थे ऑन अ यूनिट पॉजिटिव डिस्चार्ज। तो अब अगर हमारे पास एन चार्जेस का सिस्टम है, तो किसी चूजन पॉइंट पे यदि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो ड्यू टू दीज एन पॉइंट चार्जेस, तो उस चूजन पॉइंट पे इन एन पॉइंट चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज होगा निकलेगा, वही उस चूजन पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और जो डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो भी हम उसी तरह निकालेंगे जैसे हमने पीछे सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए निकाला था। तो चूजन पॉइंट पे फोर्स का जो डायरेक्शन होगा यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे, वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी होगा। तो सेम मेथड हम यहाँ पे अप्लाई करके आगे बढ़ेंगे, यही बात यहाँ लिखी हुई है। वी कैन यूज कूलम्स लॉ एंड द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल टू डिटरमिन दिस फील्ड एट ए पॉइंट पी डिनोटेड बाई पोजिशन वैक्टर आर। अब देखिए, जिस पॉइंट पे हमें फील्ड निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, उस पॉइंट को पी मान रहे हैं और उस पॉइंट का पोजिशन वैक्टर आर वैक्टर से डिनोट किया जा रहा है। और जैसा कि यहाँ लिखा है कूलम्स लॉ और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन तो हमें अप्लाई करना ही होगा। अब देखिए यहाँ पे इस फिगर में इस बात को प्रेजेंट किया गया है। फिगर 1.12 फुटनोट पढ़ेंगे पहले फिगर का। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस इज द वेक्टर सम ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड्स एट द पॉइंट ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस। अब देखिए कह रहे हैं कि जो चूजन पॉइंट पी है, यहाँ पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एन चार्जेस के सिस्टम की वजह से, वो कितना होगा? एक एक चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के और वेक्टर सम कर दीजिए यहाँ पे। अब जैसे Q1 है, आप देख सकते हैं इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, ये रहा E1। अब देखिए Q2 है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर रहा? E2। आप डायरेक्शन से समझ सकते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की वजह से Q1 पॉजिटिव होगा, तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड है। इसी प्रकार से Q2 भी जरूर पॉजिटिव होगा, तभी इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड E2 वेक्टर है। सिमिलरली E3 और E4 इलेक्ट्रिक फील्ड Q3 और Q4 की वजह से हैं। तो अब इन सभी का अगर वेक्टर सम निकाले हम, तो ये शायद इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल मिल जाएगा हमें, और इसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं हम। वेक्टर एडिशन हमें ऑलरेडी पता है। आप देख सकते हैं E1 और E2 का वेक्टर सम कैसे दिया गया है, पैरेललोग्राम लॉ से। ये वाला वेक्टर है, आप देख सकते हैं डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम वेक्टर एडिशन लगाया गया। जब यह वेक्टर E1 प्लस E2 हो गया, तो अब E3 के साथ पैरेललोग्राम लॉ लगाइए। E3 वेक्टर ये है, आप देख सकते हैं। तो E1 प्लस E2 और E3 को पैरेललोग्राम कंप्लीट करें, तो ये वाला पैरेललोग्राम बनता है, आप देख सकते हैं। इस पैरेललोग्राम का डायगोनल ये मिलेगा रिजल्टेंट, आप देख सकते हैं। E1 प्लस E2 और E3 का सम कौन सा वेक्टर होगा? ये वाली साइड है, आप देख सकते हैं ये साइड। तो ये E1 प्लस E2 प्लस E3 वेक्टर हो गया। अब इसके साथ, इस वेक्टर के साथ E4 जोड़ना है, तो इसी के टेल पे E4 आप देखिए रखा हुआ है। अब इस पैरेललोग्राम को कंसीडर करिए, ये वाला। तो इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है ये E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 E नेट मिल जाएगा आपको। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई किया गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड E1 एट R ड्यू टू Q1 एट R1 इज गिवन बाय, अभी एक्सप्रेशन अप्लाई करेंगे। Q1 की वजह से E1 इलेक्ट्रिक फील्ड R1 पे क्या होगा? ये R1P लिखा है। R1P का मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी रिलेटिव टू Q1। तो ये वेक्टर हो जाएगा। पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला लगाया हमने, एक्सप्रेशन जो हमने पीछे इक्वेशन में देखा था पिछले डिस्कशन में, तो 1/4πε0 Q1 बाय स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ Q1 टू P, यूनिट वेक्टर है जो इस LHS में वेक्टर है, तो RHS में भी वेक्टर होना चाहिए, इसलिए एक यूनिट वेक्टर यहाँ इंट्रोड्यूस किया गया है। ये मैग्नीट्यूड होगा E1 का, और ये डायरेक्शन देने के लिए
आर वन पी वेक्टर का डायरेक्शन जो होगा वही ई वन का होगा। आप देखिए आर वन पी का डायरेक्शन इधर होगा ई वन के डायरेक्शन में, तो लिखा भी है नीचे, वेयर आर वन पी इज ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन फ्रॉम क्यू वन टू पी एंड आर वन पी, ये देखिए यहाँ बोल्ड में नहीं है तो ये सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, और ये बोल्ड में है तो ये वेक्टर होगा। तो इज द डिस्टेंस बिटवीन क्यू एन एंड पी, तो डिस्टेंस स्केलर होता है हमें पता है, तो ये मैग्नीट्यूड बताया गया है, ये वाली दूरी है फिगर में देख सकते हैं आर वन पी। इन द सेम मैनर इलेक्ट्रिक फील्ड ई टू इन एट आर ड्यू टू क्यू टू एट आर टू इज, ई टू के लिए एक्सप्रेशन लिखा गया जो कि क्यू टू की वजह से होगा पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, सेम वही एक्सप्रेशन यूज करेंगे, बस क्यू वन की जगह क्यू टू हो जाएगा, आर वन पी की जगह आर टू पी हो जाएगा और यूनिट वेक्टर बदल जाएगा। वेयर आर टू पी इज यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन फ्रॉम क्यू टू टू क्यू पी, ध्यान दीजिएगा डायरेक्शन फ्रॉम क्यू टू टू पी, इन चीजों को बहुत ध्यान से समझिए क्योंकि लिखते वक्त आपको जरूरत पड़ेगी डायरेक्शन कैसे मेंशन करेंगे। आर टू पी इज अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन फ्रॉम क्यू टू टू पी, यानी कि आर टू पी एक यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड वन है इसका, और डायरेक्शन क्या है इसका, फ्रॉम क्यू टू टू पी, क्यू टू से पी की तरफ यानी अवे, ऐसे क्यू टू से पी से क्यू टू की तरफ अगर होता तो टूवर्ड्स होता, अवे है फ्रॉम क्यू टू टू पी, तो ये फ्रॉम क्यू टू टू पी को ध्यान समझिए। एंड आर टू पी इज डिस्टेंस, उसी का मैग्नीट्यूड हो गया डिस्टेंस का क्यू टू एन पी। सिमिलर एक्सप्रेशन होल्ड गुड फॉर फील्ड्स ई थ्री ई फोर ई एन ड्यू टू चार्जेस क्यू थ्री क्यू फोर डॉट डॉट यू क्यू एन, इसी प्रकार से सभी चार्जेस की वजह से आप एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। बाई द सुपर पोजिशन प्रिंसिपल द इलेक्ट्रिक फील्ड ई एट आर ड्यू टू द सिस्टम ऑफ चार्जेस इज ई आर इज इक्वल टू ई वन आर प्लस ई टू आर प्लस डॉट डॉट ई एन आर। देखिए क्या ना, टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन से देखें तो वो इन सभी इलेक्ट्रिक फील्ड्स का वेक्टर सम होगा, ई वन आर पे, आर ये पोजिशन वेक्टर को बता रहा है, ई वन मीन्स ड्यू टू क्यू वन, सभी का वेक्टर सम कर दें तो टोटल फील्ड मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इन सभी की वैल्यूज को ऊपर से आप देखिए ई वन ई टू ई एन तक सभी वैल्यूज को रख दिया गया है वेक्टर फॉर्म में, आप ध्यान से देखें यहाँ यूनिट वेक्टर दिख रहा है हर एक्सप्रेशन में, इसी को सिग्मा के नोटेशन में लिख दिया गया है। आप देख सकते हैं क्यू आई, आई की वैल्यू वन से एन तक होगी, आप देखिए क्यू वन क्यू टू क्यू एन क्यू आई है ऊपर, आर आई पी तो अगेन आई की जगह वन टू आप डिनोमिनेटर में एन तक देखिए, तो और यूनिट वेक्टर में भी आर वन पी आर टू पी आर आई पी लिख दिया गया जनरल, तो इस तरीके से इसे शॉर्ट में एक्सप्रेशन को लिख दिया गया है कंडेंस्ड फॉर्म में। ई इज अ वेक्टर क्वांटिटी दैट वेरीज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन स्पेस एंड इज डिटरमिन्ड फ्रॉम द पोजीशन ऑफ द सोर्स चार्जेस, ठीक है, कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, बिल्कुल सही है, और वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे वेरी करती है। जब हम कहते हैं वेरी करती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी वेरी कर सकता है और डायरेक्शन भी वेरी कर सकता है, और हो सकता है डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ही वेरी कर रहे हो पॉइंट टू पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे आप जाएंगे तो पूरा वेक्टर वेरी करने का मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड का हो सकता है मैग्नीट्यूड ही सिर्फ एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे वेरी कर रहा हो, डायरेक्शन ना वेरी कर रहा हो सकता है कि सिर्फ डायरेक्शन वेरी कर रहा हो मैग्नीट्यूड ना वेरी कर रहा हो सकता है दोनों ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने पे वेरी कर जा रहे हों। तो ये इन चीज़ों पे आगे क्वेश्चंस आएंगे, तो इन टेक्निकल चीज़ों को आप हमेशा ध्यान में रखें, ये बिटवीन द लाइंस बातें हैं। देखिए अगला सब टॉपिक है, इसमें सब हेडिंग है फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। इस फिजिकल वर्ल्ड में हम देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दिखाई तो देता नहीं है, तो हमें फोर्स दिखाई देता है कि दो चार्जेस एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, एक्सेलरेशन हम आसानी से देख सकते हैं, कोई भी बॉडी एक्सेलरेट होगी मोशन उसका एक्सेलरेटेड होगा, तो दैट कैन बी फिजिकली ऑब्जर्व, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दिखाई नहीं देता है, तो फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है इस पर अब यहाँ चर्चा होगी। कि सो यू मे वंडर व्हाई द नोशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड हियर एट ऑल,
रहे हैं, आप शायद इस बात से आश्चर्यचकित हों कि इलेक्ट्रिक फील्ड के नोशन को, इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट को क्यों इंट्रोड्यूस किया गया यहाँ, आखिर जरूरत क्या थी इसकी। आफ्टर ऑल, फॉर एनी सिस्टम ऑफ चार्जेस द मेजरेबल क्वांटिटी इज द फोर्स ऑन अ चार्ज विच कैन बी डायरेक्टली डिटरमिंड यूजिंग कूलम्स लॉ एंड द सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। क्वेश्चन 1.5, वाई देन इंट्रोड्यूस दिस इंटरमीडिएट क्वांटिटी कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड। कह रहे हैं कि किसी भी सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए फोर्स एक मेजरेबल क्वांटिटी है, उसे नापा जा सकता है और कूलम्स लॉ से इजीली कैलकुलेट किया जा सकता है। मल्टीपल चार्जेज हैं तो सुपर पोजिशन लगा सकते हैं। तो आखिर इस इलेक्ट्रिक फील्ड जैसी बीच की एक क्वांटिटी, फोर्स और चार्ज, चार्ज चार्ज के बीच जो फोर्स है उसके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जैसी क्वांटिटी को इंट्रोड्यूस करने की जरूरत ही क्या है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कन्वीनियंट बट नॉट रियली नेसेसरी। देखिए कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ने के लिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मीन्स चार्जेज यदि रेस्ट पे हों तो जो भी फेनोमेनाज हम पढ़ते हैं उनके बीच लगने वाले फोर्सेस या और जो भी पढ़ते हैं, तो कह रहा है इसकी स्टडी के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट हमारी स्टडी को आसान कर देता है। लेकिन जरूरी है ऐसा नहीं कह सकते, ना भी होता तो काम चलता, बट नॉट रियली नेसेसरी, वास्तव में ये बहुत जरूरी नहीं है, मगर काम को हमारे आसान करता है, हमारी समझ को आसानी से हम चीजों को समझ पाते हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज एन एलिगेंट वे ऑफ कैरेक्टराइजिंग द इलेक्ट्रिकल एनवायरमेंट इन अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक भव्य तरीका है, एलिगेंट तरीका है, जिससे हम सिस्टम ऑफ चार्जेस के सराउंडिंग में जो भी गतिविधियां हो रही हैं उन्हें हम एक भव्य तरीके से बता सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इन द स्पेस अराउंड अ सिस्टम ऑफ चार्जेस टेल्स यू द फोर्स अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज वुड एक्सपीरियंस इफ प्लेस्ड एट दैट पॉइंट विदाउट डिस्टर्बिंग द सिस्टम। करें कि यदि सिस्टम ऑफ चार्जेस हैं, बहुत सारे चार्जेस का एक सिस्टम है और उन्हें डिस्टर्ब ना किया जाए, विदाउट डिस्टर्बिंग द सिस्टम, तो उस सिस्टम ऑफ चार्ज की वजह से किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल सकते हैं उसके सराउंडिंग में, सिस्टम के सराउंडिंग में, जस्ट बाय डूइंग व्हाट, एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख दीजिए और उस पर जो फोर्स हो कैलकुलेट कर लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल जाएगा आपको। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्जेस एंड इज इनडिपेंडेंट ऑफ द टेस्ट चार्ज दैट यू प्लेस एट ए पॉइंट टू डिटरमिन द फील्ड। ये हम लोग पीछे भी जान चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम निकालते हैं किसी पॉइंट पे टेस्ट चार्ज को रख के, उसमें टेस्ट चार्ज से वो इंडिपेंडेंट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ सोर्स चार्जेस पे डिपेंड करता है, टेस्ट चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है, ये हम लोग पीछे पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। The term field in physics generally refers to a quantity that is defined at every point in space and may vary from point to point. कहा जा रहा है कि एक फील्ड जो टर्म है फिजिक्स में हम यूज करते हैं वो जनरली एक ऐसी क्वांटिटी के बारे में बताता है जो हर पॉइंट पे डिफाइंड हो स्पेस में। स्पेस मीन्स थ्री डायमेंशनल स्पेस, कहीं पे भी आप थ्री डायमेंशनल स्पेस पे एक पॉइंट ले लें तो आप उस पॉइंट पे वो डिफाइंड होना चाहिए, हर पॉइंट पे डिफाइंड होना चाहिए। हाँ, ये अलग बात है कि वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाए तो उसकी वैल्यू बदल जाए, वेरी कर जाए वो, मगर वो डिफाइंड हर पॉइंट पे होगा, ये कहा जा रहा है। एक जनरल टर्म है जो हम फिजिक्स में यूज करते हैं फील्ड का, जो पॉइंट टू पॉइंट वेरी करता है मगर हर पॉइंट पे डिफाइंड होता है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर फील्ड सिंस फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर फील्ड है, वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन में ही फोर्स आता है, E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू, तो इस इक्वालिटी से ही पता चल जाता है कि फोर्स वेक्टर है तो E को वेक्टर होना ही पड़ेगा, तभी इक्वालिटी का साइन होल्ड करेगा, यही बात यहाँ कही जा रही है। द ट्रू फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हाउएवर
emerges only when we go beyond electrostatics and deal with time dependent electromagnetic phenomena. कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट का महत्व तब ज्यादा हो जाता है जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक से भी आगे बढ़ते हैं और चार्जेस मूविंग होते हैं. यहाँ तो चार्जेस इलेक्ट्रोस्टैटिक में रेस्ट पे रहेंगे, जब मूविंग चार्जेस होते हैं तो टाइम डिपेंडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फेनोमेनाज हम ऑब्जर्व करते हैं. यानी इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों फेनोमेनाज साथ में हम ऑब्जर्व करते हैं और वो टाइम पे भी डिपेंड करता है. यानी कि वो सिर्फ पोजीशन के साथ अब फील्ड नहीं बदलेगी, अलग अलग पॉइंट पे तो फील्ड वेरी करेगा, ये ऊपर लिखा ही है. अब किसी एक पॉइंट पे समय के साथ फील्ड बदलेगा. यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने पे तो फील्ड बदल ही रहा था, लेकिन किसी एक पॉइंट पे फील्ड नहीं बदल रहा था. अभी तक तो हम ही पढ़ रहे थे कि आर जो पोजिशन वैक्टर है चूजन पॉइंट का फिक्स कर दिया जाए सोर्स चार्ज से, तो वहां पे फील्ड फिक्स हो जाएगा और वो एफ बाई क्यू के बराबर होगा, फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव डिस्चार्ज. लेकिन अब कह रहे हैं कि नहीं, अगर सोर्स चार्ज मूविंग हुआ तो अब चूजन पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं रहेगा, वो टाइम के साथ वेरी करेगा. पॉइंट वही है, सोर्स चार्ज वही है, मगर सोर्स चार्ज मूविंग हो गया, अब वो रेस्ट पे नहीं है, इलेक्ट्रोस्टैटिक सिचुएशन नहीं है, तो अब चूजन पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी टाइम के साथ वेरी करेगा, यही बात कही जा रही है. तो वहां उस केस में ये इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत रिलेवेंट हो जाता. सपोज वी कंसीडर द फोर्स बिटवीन टू डिस्टेंट चार्जेस Q1 एंड Q2 इन एक्सेलरेटेड मोशन. देखिए वही बात अब आ गई, चार्जेस यदि एक्सेलरेटेड मोशन में हो, Q1 और Q2 दो चार्जेस हैं, दोनों एक्सेलरेटेड मोशन में हो, उनके बीच के फोर्स को यदि हम देखें, अब ये दोनों रेस्ट पे नहीं है तो इन दोनों के बीच की दूरी भी अब बदलती रहेगी. तो कूलम्स लॉ से यदि फोर्स निकालेंगे तो Q1 Q2 बाई आर में आर अब फिक्स्ड नहीं रहा, एक्सेलरेटेड मोशन हो रहा है Q1 Q2. एक्सेलरेटेड टर्म यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा. एक्सेलरेटेड और नॉन एक्सेलरेटेड मोशन आप पढ़े हैं 11th क्लास में. तो नाउ द ग्रेटेस्ट स्पीड विद विच अ सिंगल और इंफॉर्मेशन अ सिग्नल और इंफॉर्मेशन कैन गो फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज सी द स्पीड ऑफ लाइट. कह रहे हैं कि जो सबसे तेज स्पीड से यदि कोई सिग्नल या कोई इंफॉर्मेशन मूव कर सकती है, ट्रैवल कर सकती है, तो वो लाइट की स्पीड है, सी से हम डिनोट करते हैं इसे, स्मॉल सी. दस द इफेक्ट ऑफ एनी मोशन ऑफ Q1 ऑन Q2 कैन नॉट अराइज इंस्टेंटेनियसली. कह रहे हैं कि यदि Q1 Q2 दोनों एक्सेलरेटेड मोशन कर रहे हैं और दोनों एक दूसरे पे फोर्स भी लगाएंगे, तो कोई भी इफेक्ट Q1 का Q2 पे और Q2 का Q1 पे वो इंस्टेंटली नहीं होगा, एक क्षण में नहीं होगा, कुछ समय लेगा, क्योंकि इफेक्ट को ट्रेवल करना, Q1 का इफेक्ट Q2 तक पहुंचने में बहुत तेज भी पहुंचेगा तो लाइट की स्पीड से, मगर लाइट की स्पीड से ही पहुंचेगा तो कुछ तो टाइम लेगा, यही बात कही जा रही है. वो टाइम कम हो सकता है मगर कुछ टाइम लेगा. There will be some time delay between the effect, that is force on Q2, and the cause, that is motion of Q1. कह रहे हैं अगर Q1 अपने स्थान से मूव करके दूसरे स्थान पे जाता है, एक्सेलरेटेड मोशन करता है, तो Q1 के द्वारा जो फोर्स Q2 पे लग रहा था, अब वो फोर्स बदल जाएगा. तो वो यही कह रहे हैं कि जो फोर्स बदलेगा वो तो इफेक्ट हुआ, Q1 का Q2 पे फोर्स जो बदलेगा वो इफेक्ट होगा Q2 पे, और कॉज क्या है, Q1 का मोशन, तभी तो वो इफेक्ट बदल रहा है, नहीं तो दोनों के बीच दूरी फिक्स्ड होती तो फोर्स भी फिक्स्ड होता है अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, तो कुछ टाइम डिले होगा, कुछ समय लगेगा इसमें. इट इज प्रिसाइसली हियर दैट द नोशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रिक्टली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इज नेचुरल एंड वेरी यूजफुल. कह रहे हैं अब यहाँ पर एग्जैक्टली अगर आप देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का नोशन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ना कह के स्ट्रिक्टली हम कहें तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहना ज़्यादा सही होगा, क्योंकि आपको पीछे ही बताया जा चुका है इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को अलग नहीं किया जा सकता, तो वो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है. तो कह रहा है कि अब ये बहुत ही नेचुरल हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड को यूज़ करना और बहुत यूजफुल भी हो जाएगा. तो यहाँ पे हम पूरा चर्चा यही कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, क्यों हमने इंट्रोड्यूस किया इस कॉन्सेप्ट को, इसी पर बात हो रही है. आगे देखते हैं.
द फील्ड पिक्चर इज दिस, कह रहे हैं फील्ड का पिक्चर देखिए कैसा होगा। द एक्सेलरेटेड मोशन ऑफ चार्ज क्यू वन प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। देखिए यहां कुछ नए टर्म्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विच देन प्रोपोगेट विद द स्पीड सी रीचेस क्यू टू एंड कॉज अ फोर्स ऑन क्यू टू। कह रहे हैं कि अब देखिए कैसे, ये पूरा फील्ड पिक्चर देखिए क्या है कि जब एक्सेलरेटेड मोशन क्यू वन का होगा तो वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करेगा। ये मैक्सवेल की थियरी है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल यदि एक्सेलरेटेड मोशन करे, ध्यान रखिएगा एक्सेलरेटेड मोशन, यदि वो यूनिफॉर्म मोशन करेगा तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। यूनिफॉर्म मीन्स नॉन एक्सेलरेटेड मोशन, जहां वेलोसिटी कॉन्स्टेंट होती है उसे हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। एक्सेलरेटेड मोशन में वेलोसिटी चेंज होती रहती है और एक्सेलरेशन का मतलब ही होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, डेफिनेशन है ये एक्सेलरेशन। तो ध्यान दें कि द एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन को आप अंडरलाइन कर सकते हैं यहाँ पे, एक्सेलरेटेड मोशन ऑफ चार्ज Q1 का एक्सेलरेटेड मोशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करेगा और यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लाइट की स्पीड से ट्रेवल करते हुए Q2 तक पहुंचेगी और अब ये Q2 पे जो फोर्स पहले लग रहा था उसको बदल के कोई नया फोर्स लगाएगी। यही बात यहाँ कही जा रही। तो अब परिवर्तन होगा, कैसे चेंज होगा, और लाइट की स्पीड से होगा मगर चेंज होने में कुछ समय लगेगा। द नोशन ऑफ फील्ड एलिगेंटली अकाउंट फॉर द टाइम डिले। कह रहे हैं कि जो टाइम डिले हो रहा है, जो समय लग रहा है Q1 के मोशन की वजह से Q2 पे लगने वाले फोर्स में जो चेंज होने में जो जो कुछ भी हो रहा है, इसको फील्ड कैसे इस टाइम डिले को, जो समय लग रहा है, इसको कैसे भव्यता से एक्सप्लेन करता है। देखिए, दस इवन दो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स कैन बी डिटेक्टेड ओनली बाय देयर इफेक्ट्स फोर्सेस ऑन द चार्जेस, दे आर रिगार्डेड एज फिजिकल एंटिटीज नॉट मेयरली मैथमेटिकल कंस्ट्रक्ट्स। कह रहे हैं कि इवन दो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स कैन बी डिटेक्टेड, कह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को यद्यपि फोर्सेस के द्वारा ही डिटेक्ट किया जा सकता है, जो चार्जेस पे लगने वाले फोर्सेस हैं, यानी कि कहीं पे यदि फील्ड है तो आप कैसे डिटेक्ट कर पाएंगे, वहां एक चार्ज रख के देखिए, फोर्स लगेगा तभी पता चलेगा कि फील्ड है या नहीं है, अगर फील्ड नहीं है तो कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो कह रहे हैं कि वैसे तो इफेक्ट फोर्स का ही दिखता है, इफेक्ट्स मीन्स फोर्स किसी चार्ज पे लगने वाला, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का और मैग्नेटिक फील्ड के होने और ना होने को हम कैसे डिटेक्ट करते हैं, फोर्स से डिटेक्ट करते हैं। फिर भी कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को हम एक फिजिकल एंटिटी, एक फिजिकल एंटिटी का मतलब कह सकते हैं कि एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी माने जिसको हम पहचानेंगे, कहेंगे कि ये है, भले ही हमें फोर्स दिखता है फील्ड नहीं दिखता है, फिर भी हम उसको एक फिजिकल एंटिटी की तरह ट्रीट करेंगे। एंटिटी मतलब वो वस्तु जो एग्जिस्ट करती है और भौतिक रूप से फिजिकली, और हम उसे सिर्फ एक मैथमेटिकल कंस्ट्रक्ट नहीं कहेंगे कि एक भाई एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कंस्ट्रक्शन किया गया, जो बनावटी है, मैथमेटिकली उसको बना दिया गया है, ऐसा ना मानेंगे, बल्कि हम उसे एक फिजिकल एंटिटी की तरह ट्रीट करेंगे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। यही बात यहाँ कही जा रही है। दे हैव एन इंडिपेंडेंट डायनेमिक्स ऑफ देयर ओन। कह रहे हैं वो अपने हिसाब से बदलते रहते हैं, उनका अपना एक तरीका है चेंज होने का, डायनेमिक्स मीन्स बदलते रहना, स्वतः स्वयं अपने आप इंडिपेंडेंटली। दे इवॉल्व अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ देयर ओन, वो अपने ही, उनके अपने लॉज हैं जिससे वो इवॉल्व होते हैं, उत्पन्न होते हैं, पैदा होते हैं फील्ड्स। दे कैन ऑल्सो ट्रांसपोर्ट एनर्जी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जा सकते हैं, जैसा कि आपने देखा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की चर्चा की गई है, वेव्स आर मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ये बात यहाँ कही जा रही है। दस अ सोर्स ऑफ टाइम डिपेंडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स टर्न्स ऑन ब्रीफली एंड स्विच्ड ऑफ लीव्स बिहाइंड प्रोपोगेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स ट्रांसपोर्टिंग एनर्जी। The concept of field was first introduced by Faraday and is now among the central concepts of physics. कह रहे हैं कि अगर कोई ऐसा सोर्स हो जो
चार्ज पार्टिकल होगा ऑब्वियसली मूविंग एक्सेलरेटेड चार्ज, जो टाइम डिपेंडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सके, तो वो एक एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड प्रोपोगेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है जो एनर्जी को ट्रांसफ़र करता है एक पॉइंट टू अनदर पॉइंट, वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो यही बात कही जा रही है कि कोई अगर एक्सेलरेटेड चार्ज होगा जो थोड़े देर के लिए ऑन और ऑफ होने का मतलब यहाँ पे है, आप आगे पढ़ेंगे अल्टरनेटिंग करंट में, एक करंट इज फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज जब ऑन और ऑफ होता है तो एक्सेलरेटेड मोशन होगा चार्ज का, इस पर आगे डिटेल डिस्कशन होगा। तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होगी, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बेसिकली वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता क्या है, वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ही होता है जो ट्रैवल करता है और एनर्जी कैरी करता है, यही बात कही जा रही है। इस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले माइकल फैराडे ने दिया था, और ये आज के समय में फिजिक्स के बिल्कुल सेंट्रल कॉन्सेप्ट्स में, मीन्स केंद्र बिंदु है फिजिक्स का, यही बात यहाँ तक कही जा रही है। इसके साथ ही ये टॉपिक यहाँ ख़त्म होता है, इसके आगे एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स को हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।